अपनी ओसीडी की जर्नी को सुनिए, अपनी ओसीडी की जर्नी को समझिए और अपनी ओसीडी की जर्नी से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीडी की जर्नी के बारे में। ओसीडी की जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कैसे चलती हुई आगे बढ़ी, क्या क्या कंपल्शन हुए और इनको इन्हीं के माध्यम से हम काटने की कोशिश करेंगे और यहीं से समझ करके साइको एजुकेशन लेवल के द्वारा अपनी ओसीडी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रयास में आप हमारे साथ जुड़िए और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी की जर्नी को किस तरीके से हमने जिया है, उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, क्या कुछ आया है और कैसे यह शुरू हुआ और कहां तक यह पहुंच रहा है। तो शुरुआत में क्या होता है कि ओसीडी आपको कब से है, सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाइए कि ओसीडी आपको कब से है। तो जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो लोग बताते हैं कि मेरे को ओसीडी 5 साल से है, 7 साल से है, 10 साल से है, 12 साल से है, 2 महीने से है, 10 दिन से, जैसा भी है। तो मुझे ओसीडी इतने टाइम से है, वह बताते हैं। तो ओसीडी का शुरुआत कहाँ से हुआ? ओसीडी का शुरुआत यहाँ से हुआ कि मैंने कोई नेगेटिव वीडियो देख लिया, मैंने किसी का कोई दृश्य देख लिया, मैंने कहीं जाकर के कुछ ऐसा सुन लिया या मैंने कुछ कहीं ऐसा पढ़ लिया। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर नेगेटिव जनरलाइजेशन करना शुरू कर दिया। जितना जितना मैंने इसके ऊपर जनरलाइज किया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बढ़ती गई। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती गई, धीरे धीरे इसमें कंपल्शन करने लगे अपने आप को बचाने के लिए। जैसे जैसे कंपल्शन करते गए तो कंपल्शन की अवधि बढ़ती गई, जैसे जैसे अवधि बढ़ती गई तो हमारा बिहेवियर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है और अब हम ओसीडी के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए हैं और अब हम अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी ओसीडी की कहानी है, इस तरीके से ये चीज़ हमारे साथ हुई है। अब इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपको ओसीडी नहीं थी उस समय आप कैसे थे, पहले वो बताइए। समय आप बहुत अच्छे से रहते थे, अच्छे से अपना सारा काम करते थे। आज जिन चीज़ों से डर लगता है उन चीज़ों के ऊपर आप पहले बहुत अच्छे से काम किया करते थे। या इसमें एक एग्जांपल मैं सोशल फोबिया का भी लेता हूँ कि सोशल फोबिया में भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको कोई कोइंसिडेंस के बाद ऐसी घटना महसूस होने लगी या ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ जिसके बाद में आप ऐसा सोचने लगे, ऐसा आप अपने व्यवहार में शामिल करने लगे इन चीज़ों को, पहले के अपने व्यवहार को जांचिए, उससे पहले के उस समय में पहुंचने की कोशिश करिए जब आपको यह प्रॉब्लम नहीं थी। उस समय आपका व्यवहार किस तरीके का था, आप किस तरीके से खुल करके जिया करते थे। ओसीडी में भी यह चीज लागू होती है कि उस समय आप किस तरीके का जीवन जीते थे, किस तरीके का आपका विचार विमर्श चलता था, किस तरीके की आपके जीवन में घटनाएं घटती थी, किस तरीके से आप इन चीजों को फेस करते थे। उस तरीके से उसी टाइम जोन में वापस जाकर के इस चीज़ को समझिए, वहाँ जाकर वैसा ही रिएक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप वैसा रिएक्ट करोगे तो आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा, यह चीज़ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो इस तरीके से आप उसी समय में वापस जाने की कोशिश करिए और जैसा व्यवहार आप पहले करते थे वैसा व्यवहार करने की कोशिश करिए। यदि आप उस टाइम जोन में वापस जाने में सक्षम हो जाते हो और वैसा व्यवहार कर लेते हो आपकी ओसीडी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, क्योंकि आप उस चीज को समझ जाते हो कि जो ओसीडी विचारों का जो दोगलापना है वह उतर जाता है। तो वहां से आपको इसमें बहुत जबरदस्त राहत मिलती है और आपको अपना जो साइको एजुकेशन लेवल है, जिसकी मैं बात करता हूँ वीडियोज में कि अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करिए, अपने साइको एजुकेशन लेवल को ट्रेन करिए, साइको एजुकेशन लेवल को समझिए, तो यही साइको एजुकेशन लेवल इस तरीके से आप इसमें समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को अप्लाई करके देखना है और उस टाइम जोन में जाने की कोशिश करना है। वहाँ से फिर आपका जो नया व्यवहार बनेगा वह ओसीडी में आपके लिए राहत पैटर्न बनेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।